मैं खुशी रूप आपका स्वागत करती हूँ अखबार बानी गॉसिप में। निमरत कौर अहलूवालिया चाहती है कि प्रियंका और अर्चना करे घर में लड़ाई। आखिरकार क्या है मुद्दा, चलिए आप लोगों को बताते हैं, समझाते हैं पूरी अपडेट। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए, इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। निमरत सुम्बुल, एमसी स्टैन और शिव ठाकरे बैठे हैं कैप्टन रूम के बाहर, जहां पर निमरत कहती है कि यार मुझे बहुत ज्यादा डर लग रहा है, मेरे ऊपर जो है वीकेंड के वार में काफी ज्यादा बॉम्ब फटने वाला है क्योंकि मैंने इस बार काफी गंदी गाली दे दी है। जहां पर एमसी स्टैन ये बात सुनते और बोलते कि यार तू ही इसको ज्यादा हाईलाइट कर रही है, तूने भी उसके उसने भी तुझे बहुत सारी चीजें बोली, तूने भी उसको बोला और माफी भी मांग ली। जहां पर निमरत बोलती है हाँ मैंने माफी तो मांग ली, यार सबसे बड़ा मुद्दा ये है कि मेरे इसको लेके इस हफ्ते कुछ और चीज घर में हुई ही नहीं है कि इसी मुद्दे को उठाया जाएगा, एटलीस्ट कुछ और चीज हो जाए। ये दोनों जो है अगर लड़ाई कर ले, कुछ मुद्दा बना ले, तो ये मुद्दा जो है डाइवर्ट हो जाएगा। अगर ये प्रियंका और अर्चना नहीं करते हैं कुछ चीज, तो एटलीस्ट शालिन ही किसी के साथ कुछ कर ले कि मेरा मुद्दा जो है वो डाइवर्ट हो जाए। जहां पर ये चीज चाहती है कि भाई प्रियंका, शालिन, अर्चना जो है लड़ाई करे घर में कि ये बच जाए। डरपोक देखो कितनी ज्यादा है, टिकट टू फिनाले चाहिए और ऐसे डरपोक को विनर बनाना चाहते हैं कुछ लोग। और यहां पर शिव बोलते हैं कि नहीं यार अभी तो कोई मुद्दा उठाया नहीं जाएगा, आखिरी वीकेंड के वार है, वीकेंड का वार है, इसमें कुछ अलग अलग चीजें होंगी, कोई मुद्दा नहीं उठाया जाएगा, किसी के बारे में बात नहीं की जाएगी। क्या आप लोगों को लगता है कि किसी चीज के बारे में बात नहीं की जाएगी? हालांकि निमरत बहुत ज्यादा बड़े नारे लगाती है कि प्रियंका गालियां देती है, उनके जो दोस्त है वो बोलते हैं कि गंदी गंदी गालियां देती है, देखो ये लड़की गंदी गंदी गालियां देती है, अपने ग्रुप की लड़की के बारे में पता नहीं है क्या ये कितनी गंदी गाली देती है। इवन इसने ऑलरेडी शो के अंदर प्रियंका को गंदी गालियां दी है जो कि म्यूट कर दी गई हैं, और जो चीज म्यूट की जाती है तो वो बहुत गंदी गाली होती है, आप लोग समझ पा रहे होंगे। इसी के साथ मैं लेती हूं इजाजत, नमस्कार।